को कोरोना के नए तनाव का खौफ साफ नज़र आ रहा है कर्नाटक हुकूमत ने तमाम समाजी सकाफती अज्तम के साथ साथ कॉन्फ्रेंसों सेमीनारों और तली प्रोग्रामों पर अगले दो महीनों के लिए पाबंदी लगा दी है मैसूरू धारवाड़ और बेंगलुरु के कोरोना के मामला सामने आने के बाद नई हिदायत जारी की गई हैं वज़ी बसवराज मुम्बई की हुकूमत ओमेक्रॉन की तबाही को देखते हुए तमाम ज़रूरी इकदाम उठाने की तैयारी कर रही है ताकि इन्फेक्शन ना फैले कर्नाटक में ओमेक्रोन के बड़े पैमाने पर फैलने के खदशात के दरमियान दो जनूबी अफ्रीकाई शहरी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है बसराज मुंबई की हुकूमत ने दो गैर मुल्कियों में कोरोना की अलामत की वजह से हलचल के दरमियान महाराष्ट्र केरला से आने वालों पर भी आर टी पी सी आर पर पाबंदी लगा दी है महाराष्ट्र और केरला से आने वाले तमाम मुसाफिरों को आर टी पी सी आर लाजिम करार दिया गया है दूसरी लहर के दौरान ये दोनों सूबे सबसे ज़्यादा बदनाम हुए थे बाकी रियासतें इन दोनों रियासतों के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे थे कर्नाटक में मरने वालों की तदाद और दीगर रियासतों के मुकाबले इतनी ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन माजी में जिस तरह से तीन अजला में केसेस ज़्यादा सामने आए हैं इसने हुकूमत की तश्वीश में इजाफा कर दिया है कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में एहतियाती तदाबीर का एलान करते हुए इस बात का जिक्र भी किया है कि कोविड 19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक फराम करने के लिए वो मरकज से तफसलत इकट्ठा करेगी हुकूमत की जानब ऐसी इस ऐलान के बाद बैन अवी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग में भी तेजी लाई गई है साथ ही साथ पड़ोसी रियासतों से आने वाले मुसाफिरों की सरहदी चेकिंग में भी इजाफा कर दिया गया है रियासी हुकूमत का कहना है की बूस्टर खुराक के ताल्लुक से वो मरकजी हुकूमत से एक हफ़्ते के अंदर इजाजत ले लेंगे ब्यूरो रिपोर्ट ख़राब न्यूज़ बेंगलुरु